चोरी कर अगर सब जन कटाई है। इस भीड़ को आप देख लीजिए ध्यान से, ये भीड़ उपेंद्र कुशवाहा के नींदों को उड़ाने के लिए काफी है। ये भीड़ ये बता रही है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनेंगे, या फिर पवन सिंह की वजह से राजा राम सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा को अब ये डर सताने लगा कि जिस तरीके से भीड़ पवन सिंह के सभाओं में आ रही है, ये मुझे हरा ना दे। देखिए आज खेसारी लाल यादव पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हुए थे, और उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी मंच पर आई तो इस तरह की भीड़ देखने को मिली। ये भीड़ ये बता रही है कि इस बार निर्दलियों का बोलबाला है। 2009 में निर्दलियों का इसी तरीके से बोलबाला था। 14 और 19 में मोदी लहर खूब चल रही थी, लेकिन इस बार मोदी लहर भी काम नहीं आ रही है। जिस तरीके से पूर्णिया में, सिवान में, नवादा में निर्दलियों का बोलबाला दिखा, बक्सर में निर्दलियों का बोलबाला दिख रहा है, उसी तरीके से अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र में निर्दलियों का बोलबाला दिख रहा है। और वो निर्दलियों की वजह से तमाम दल वाले जो है वो परेशान हो चुके हैं। पवन सिंह के सभा में यादवों को साधने के लिए खेसारी लाल यादव पहुंचे हुए थे, और ये पूरी तरीके से यादवों को एकजुट कर लिया गया है। यानी कि राजा राम सिंह की भी हालत खराब हो चुकी है, उपेंद्र कुशवाहा की तो हालत खराब ही है, क्योंकि राजपूत वोट घसक गया। अब राजा राम सिंह की हालत खराब हो गई कि यादव वोट भी घसक गया। खेसारी लाल यादव आए और मंच पर चढ़ के तमाम यादवों को उन्होंने एकजुट कर दिया। पवन सिंह भले ही राजनेता ना हो, लेकिन बिहार के तमाम राजनीति को वो देख चुके हैं, और खास करके जातीय राजनीति को जिस तरीके से वो साध रहे। यादव को साधना है तो खेसारी यादव को बुलाइए, कुर्मी को और कुशवाहा को साधना है तो नीलकमल को बुलाइए, भूमिहारों को साधना है तो गुंजन को बुलाइए, राजपूत वो खुद हैं, ब्राह्मण को साधना है तो फिर कल्लू को बुलाइए, और दलित को साधना है तो शिल्पी राज को बुलाइए। ये तमाम जो दाव पेच पवन सिंह ने आजमाया है, अच्छों की हालत खराब हो गई है, और पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की तो हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की वजह से चुनाव हारेंगे, या फिर पवन सिंह को मात देंगे? लेकिन जो भी हो, पवन सिंह ने जो राजनीति करना शुरू किया है, तमाम पार्टियों की हालत खराब हो चुकी है। न मोदी लहर काम आ रहा है, न तेजस्वी लहर, लहर बस एक ही चल रहा है, पवन लहर। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।